दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सर्विस बिल के बाद मिली पावर के बाद अब दिल्ली के मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। जी हां, विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए विकलांगता पेंशन और चिकित्सा सहायता सहित 17 कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 26 अगस्त को इस बात की जानकारी दी। एलजी ऑफिस से कहा गया कि योजनाओं के तहत फायदा दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड लाभार्थियों को आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा दिया जाएगा। एलजी ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक विनय कुमार सक्सेना ने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की सख्त निगरानी का निर्देश दिया है ताकि ये फायदा सिर्फ इसके वास्तविक जरूरतमंदों को मिल जाए। अधिकारियों ने बताया कि एलजी के इस कदम का मकसद रिसाव को कम करना है, क्योंकि हाल के दिनों में झूठे या फिर नकली निर्माण श्रमिकों को फायदा देने के कई सारे वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए थे, जिसके बाद साल 2018 में हुई एक एफआईआर के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो इस बात की जांच कर रहा है। इसी के साथ अधिकारियों ने ये भी बताया कि एलजी ने इन योजनाओं के तहत वितरण की लगातार निगरानी के लिए खास निर्देशों के साथ दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं की अधिसूचना को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने आगे कहा कि विकलांगता पेंशन, अनुग्रह भुगतान, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, मृत्यु के बाद मुआवजा आदि योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ केवल लाभार्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने की आवश्यकता पर फोकस किया है, ताकि केवल असली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ही बोर्ड के फंड से लाभ मिल सके। इस काम के लिए जिलों में उप लेबर कमिश्नर को केवल हकदार और वास्तविक लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के पारदर्शी और सही से काम करने के लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है। जिलों में उप श्रम आयुक्तों को केवल हकदार और वास्तविक लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के पारदर्शी और सही से काम करने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के वेरिफिकेशन के लिए सख्त ट्रेनिंग दी जा सकती है, साथ ही लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।